दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी नेचुरल पर। यहाँ पर आपको आपकी कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं, वास्तु के दोष निवारण के टिप्स मिलते हैं, साथ ही आपकी डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन एक ही जगह पर आपको मिलता है यहाँ पर। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक उपाय शेयर करने वाली हूँ, एक टोटका शेयर करने वाली हूँ, जिसको करके आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। किसी भी मनोकामना के लिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी कितनी ही बड़ी, कितनी ही पुरानी, कितनी ही मुश्किल मनोकामना, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं जल्द से जल्द ये पूरी हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टोटका मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, कोई भी मनोकामना हो सकती है, आपके प्यार से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, आपकी सफलता से, आपकी नौकरी से, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, चाहे आप किसी के स्वास्थ्य की, अपने स्वास्थ्य की कामना करें, कोई भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों, तो ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये आपको करना है शुक्रवार के दिन, ठीक है। शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को, इस टोटके को करना है। टोटके में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल तांबे का, ठीक है। दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। वैसे अच्छा होगा कि आप सुबह 12 बजे से पहले करें या फिर शाम को 5 बजे बाद करें, ठीक है। सवेरे 12 बजे के पहले, सवेरे 12 बजे का मतलब है दिन में जो 12 बजती है उस टाइम से पहले या तो कर लें, या फिर शाम को जो 5 बजती है उसके बाद में आपको करना है, ठीक है। मतलब दिन का जो दोपहर का समय होता है वहां पर, उस टाइम पर नहीं करना है, सवेरे और शाम को इस उपाय को करना है। शुक्रवार के दिन एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आप ले लेंगे जल, शुद्ध जल हमको लेना है। अब इस जल में आपको डालना है एक गुलाब का फूल, ठीक है। गुलाब का फूल लाल कलर का ही होना चाहिए, लाल गुलाब आपको ले लेना है। अगर आपको लाल गुलाब, वैसे तो लाल गुलाब ही जरूरी है, अगर आपको लाल गुलाब नहीं मिलता है तो आप कोई भी लाल कलर का फूल ले सकते हैं, ठीक है। लाल गुलाब अगर नहीं मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी लाल गुलाब, अगर वो नहीं मिलता है तो आप लाल कोई सा भी फूल ले सकते हैं, जैसे गुड़हल का हुआ या फिर लाल, जो भी फूल होते हैं उसमें से लाल फूल आपको ले लेना है, ठीक है। अब आपको आपके घर के आसपास जहां पर भी, ठीक है, आपने ले लिया है एक लोटा जल, उसमें डाल लेंगे गुलाब का फूल। अब इसको आपको लेके जाना है आपके घर के आसपास या फिर कहीं पर भी जो कनेर का पौधा होता है, ठीक है, कनेर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, गुलाबी कनेर भी हो सकता है, पीला कनेर भी चलेगा। तो ये जो कनेर का पौधा होता है इसमें आपको इस जल को डालना है, ठीक है। जल को डालते समय आपको मन ही मन में एक मंत्र का जाप करना है, जो कि मंत्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। इस मंत्र को आपको मन ही मन में जाप करना है 11 बार। 11 बार इसे जपने के बाद में आप इस जल को उसमें डाल देंगे। आप चाहें तो जल को डालते समय ही इस मंत्र को मन ही मन में बोल लें। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा है मंत्र, तो आप पहले जल डाल दीजिए, फिर आप अपने फोन में या फिर जहां पर भी आप इसे लिख के ले जाएंगे, फिर आप इसे 11 बार मन में जप लीजिए। जपने के बाद में आपको अपनी इच्छा कहनी है, आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, तब आपको कहनी है कि हे भगवान, मैं आज ये जो उपाय कर रही हूँ, ये जो टोटका मैं कर रही हूँ, इसे आपको, इस विश को पूरी करने के लिए कर रही हूँ, अपनी इस मनोकामना को पूरी करने के लिए कर रही हूँ, जल्द से जल्द आप इस मनोकामना को पूरी करने में मेरी मदद कीजिए। और बस आपको वहां से हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ में नमन करना है, पूरे विश्वास के साथ में इस उपाय को करना है और घर वापस आ जाना है। अगर आपके घर में ही कनेर का पौधा लगा है तो आप घर में ही कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं लगा है तो वहां जाकर आपको करना है। ध्यान रखना है फूल लाल रंग का होना चाहिए, गुलाब होगा तो बेस्ट रहेगा, पर लाल रंग का फूल होना चाहिए और पौधा कनेर का ही होना चाहिए, चाहे पीला कनेर हो चाहे गुलाबी कनेर हो। आप इस उपाय को कीजिए और फिर आप खुद देखेंगे रिजल्ट। आपको सिर्फ एक ही बार इस उपाय को करना है, शुक्रवार के दिन सिर्फ एक ही बार इस उपाय को करेंगे और फिर आप इसे छोड़ देंगे, आप भूल जाएंगे। आप खुद देखेंगे आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी, कितनी ही, चाहे आप कितने ही समय से परेशान हो, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना है, अगर आप महिला हैं तो इसे पीरियड्स में नहीं करना है, 7 दिन छोड़ के, ठीक है। ये जो 7 दिन है पूरे अच्छे से आप शुद्ध हो जाए उसके बाद में इस उपाय को आप करें, ठीक है। वीडियो
पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मनोकामना से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेंगे, वहां जाकर भी आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए वहां पर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।